अगर आपने ओला स्कूटर बुक किया है ना, तो आखिरी जो स्टेज होता है फेम टू सब्सिडी वाला, जो है ओटीपी आता है, तो ओटीपी में कई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इस ओटीपी को हम लोगों को 30 सेकंड के अंदर बताना होता है, और ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है गाइस। क्योंकि अगर आप जो है अपने फ़ोन में दो सिम यूज़ करते हो, मान लो अगर आपके पहले सिम में ओटीपी और आ रहा है और आप जो है दूसरे नंबर से बात कर रहे हो, तो अगर आप दूसरे नंबर से बात कर रहे हो और तुरंत कॉल में ही आपको ओटीपी बताना है, तो अगर आपके पास वही फ़ोन है और उसी फ़ोन में ओटीपी आना है, तो कभी भी ओटीपी आपका नहीं आने वाला। दूसरे नंबर से अगर आप कॉल में हैं, उसको आप कट नहीं कर देते, तब तक आपका ओटीपी नहीं आएगा। तो बेहतर ये रहेगा गाइस कि 30 सेकंड पे देना होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी दूसरे के फ़ोन से वो जो आपको कॉल करेंगे उनको कॉल करो, और उसके बाद कॉल में आप अपने फ़ोन में ओटीपी आने का वेट करो, देन तुरंत ओटीपी बता दो। क्योंकि ये जो काम है सिर्फ 30 सेकंड का होता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 12-13 ओटीपी मैंने मंगवाए, उसके बाद लास्ट में 13th ओटीपी में मेरा काम